अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित, मेरे चैनल का नाम है हंटिंग व्लॉग। तो आज हम आपको सिखाएंगे शहद की मक्खियों का छत्ता तलाश करने का तरीका। तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है ये शहद की मक्खियां यहां पानी पी रही हैं, और अब हम इसकी सिमित और हाइट का अंदाज़ा लगाएंगे, ये किस सिमित जा रही हैं और इनकी हाइट क्या है, क्योंकि ये पानी जहाँ पीती हैं तो पानी पीने के बाद सीधा अपने छत्ते पर ही जाती हैं। तो अब हम अंदाज़ा लगाएंगे छाँव करके ये किस सिमित जा रही हैं। तो दोस्तों, ये शहद की मक्खियाँ इस सिमित जा रही हैं और इसकी हाइट तकरीबन 20 या 25 फीट है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये शहद तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के दरमियान हो सकता है। तो शहद की मक्खियाँ इस सिमित जा रही है और उसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा लगता है कि बहुत करीब शहद का छत्ता मिल सकता है। हम इस एरिए में तलाश करेंगे और नीचे से जाकर भी अंदाज़ा लगाएंगे कि शहद की मक्खी किस तरफ जा रही है और किस तरफ गिर रही है। इसकी सिमित बिल्कुल यही है और हाइट भी बहुत नीचे है, तकरीबन 10 या 15 फीट हाइट है इसकी। तो अब हम नीचे जाएंगे और तलाश करेंगे इसको। तो दोस्तों, हम आप अंदाज़ा लगाएंगे कि शायद की मक्खियाँ किस तरफ गिर रही हैं और इनकी सिमित का भी अंदाज़ा लगाएंगे। तो दोस्तों देखा, शायद की मक्खियाँ इस तरफ से जा रही हैं और तकरीबन वहाँ पर गिर रही हैं, इसी करीब के एरिया में गिर रही हैं। हम इस एरिया को तलाश करेंगे और इनकी हाइट भी बहुत कम है, तकरीबन 10 या 15 फीट हाइट है। हम इस एरिया को तलाश करेंगे। पूरे एरिया को हमने देख लिया, इस तरफ तो नहीं है, शायद उस तरफ होगा, उस तरफ तलाश करें। इस एरिया को भी तलाश करेंगे, देखते हैं। मक्खियां शायद इस तरफ गिर रही थी और बहुत करीब है। तो अब इस एरिया को तलाश करते हैं, चलें तलाश करना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पूरे एरिया को हमने तलाश कर लिया है, शहद की मक्खियाँ इसी तरफ आ रही थी, शायद यहीं कहीं आ रही थी। इस पूरे एरिया को हमने तलाश कर लिया है। अब दोबारा से देखेंगे कि कहाँ गिर रही है, हम यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे। जी दोस्तों, शहद की मक्खियाँ बिल्कुल इसी तरफ गिर रही है, शायद यहीं कहीं हो सकता है। अब हम यहाँ से तलाश कर जाएंगे, इंशाल्लाह तलाश कर लेंगे। दोस्तों, शायद की मक्खियाँ बिल्कुल इसी तरफ गिर रही हैं। तो अब हम मैं इस एरिया को तलाश करने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह यहीं कहीं मिल सकता है। मैं तलाश करने जा रहा हूँ। देखा दोस्तों, यहाँ पर शहद का छत्ता है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकता है तो यहाँ पर शहद, ये देखें दोस्तों, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है तो ये
देखें शहद का छाता, ये देखें दोस्तों शहद का छाता। जैसे कि हमने कहा था कि इस समय शहद की मक्खियां गिर रही हैं, तो बिल्कुल हमने इसे इसी जगह पर शहद का छाता तलाश कर लिया। तो देखा दोस्तों वहां से शहद की मक्खियां आ रही थी और इनका समय बिल्कुल इसी तरफ था, तो इस एरिया पूरे एरिया को हमने तलाश किया। तो यहाँ पर पूरे एरिया को तलाश करने के बाद हमने दोबारा से अंदाज़ा लगाया कि शहद की मक्खियाँ एग्जैक्ट कहाँ पर गिर रही हैं। तो दोबारा हमें देखने के बाद तो हमने अंदाज़ा लगाया कि शहद की मक्खियाँ बिल्कुल इसी तरफ गिर रही हैं। तो हम तलाश करते हुए यहाँ आए तो काफ़ी मुश्किल से हमने तलाश किया। तो दोस्तों आपने देखा काफ़ी मुश्किलों के बाद हमने आखिरकार शहद तलाश कर लिया। तो हमने जैसे कि आपने आपको बताया कि शहद की मक्खियों के समय का अंदाज़ा लगाया और उनकी हाइट का अंदाज़ा लगाया, उनकी हाइट क्या है और ये किस समय जा रही हैं, उनकी हाइट का अंदाज़ा लगाया हमने, जैसे कि 15 से 20 फीट थी और समय भी यही थी। हमने आपको बताया कि इसी समय आ रही थी और हमने काफ़ी तलाश किया इस एरिए को और आखिरकार हमने तलाश कर लिया। आपने देखा दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह दोस्तों कल नई वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।